चलो अनमोल, वीडियो स्टार्ट करो, स्पॉटलाइट पे आओ अनमोल। हो गई तैयारी? पूरी तैयारी हो गई। पूरी तैयारी हो गई। हेलो, स्टार्ट कीजिए ना। अरे नाम है ना बहुत से में।
चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए, पूर्ण रूप से एकाग्रता के साथ करिए, क्योंकि शांति धारा अभी कोई ऐसे वैसे श्लोक की नहीं हो रही है, जिसकी सबको ज्यादा जरूरत है बौद्धिक विकास। हर जगह बौद्धिक बुद्धि की ही जरूरत पड़ती है और उसी के विकास के लिए हम संचार कर रहे हैं। एक 6 नंबर के श्लोक को हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन ये निमित्त कब आया, जब बच्चों के एग्जाम चालू हुए, तो ऑटोमेटिक इस पवित्र सेशन में ऐसे ही काम होते जा रहे हैं। बहुत दिनों से डिमांड भी थी कि 6 नंबर का श्लोक ले लीजिए, 6 नंबर के श्लोक का अनुष्ठान करेंगे, लेकिन उसका उचित समय अभी आया और उचित समय में उचित कार्य होते हैं, ऐसा हर कोई कहता है। आज देखने में भी आया इस पवित्र अनुष्ठान में, आज जो हमारा 272वां दिन और 6 नंबर श्लोक और श्रम एंड श्रूम बीज अक्षर के जाप का दूसरा दिन, सेकेंड डे। ये कोई ये ना समझे कि हमारे 21 दिन कैसे पूरे होंगे, क्योंकि हम 21 से 25 दिन तक भी चलाएंगे इसको, तो जिसको जुड़ना है 21 दिनों के लिए वो आज से भी जुड़ सकता है, कल से भी जुड़ सकता है, उसके 21 डेज पूर्ण हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल ना सोचें कि 21 दिन कैसे पूरे होंगे, अब तो शुरू हो गया है, हमारे 21 दिन नहीं होंगे, पूरे हो जाएंगे। हम इसको 300वां दिन तक चलाएंगे, माने 30 डेज तक चलाएंगे। अभी जो 2-4 दिन आगे पीछे भी ज्वाइन होंगे, उनके भी 21 दिन पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए कोई ये भावना ना रखे कि हमारे 21 दिन पूर्ण नहीं होंगे, सबके होंगे। और बहुत लंबे इंतजार के बाद 6वें श्लोक का अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं। सभी लोग अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड सर्किल में बता दें, और जो अपने आप खुद से नहीं कर पाते हैं वो इसमें जरूर से जरूर शामिल हों। बच्चों को प्रोत्साहित करें, बच्चे जरूर शामिल हों और धर्म लाभ लेवें और बौद्धिक विकास करें, क्योंकि बुद्धि की जरूरत बच्चों को भी पड़ती है, बड़ों को भी पड़ती है। जिंदगी के हर मोड़ पे, हर क्षण हमारे को हमको बुद्धि की जरूरत पड़ती है। दिमाग होगा तो सब कुछ होगा, इसलिए सभी लोग इसका लाभ लें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें। चलिए 272वां दिन मॉर्निंग सेशन का और बौद्धिक विकास के सेशन का सेकेंड डे शुरू करते हैं अनुष्ठान। उसके पहले अभिषेक, शांति धारा, फिर अनुष्ठान और फिर 6वें श्लोक से रिलेटेड बहुत सारी बातें। तो बच्चे लोग जरूर जुड़े। जब लो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। नमो यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोय शब्द शाहुणम। ऐसो पंच नमकारो शब्द पावक पलाशलो मंगलाणम चा सब्बे तिम फल बम हई मंगलम। यह पंच नमस्कार मन सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की जय जय जय। सभी लोग कल्पना करेंगे कि आप उन जिन मंदिर में बैठे हैं जहां आप नित्य दर्शन के लिए जाते हैं, वहां की वेदी की कल्पना करिए। और यदि नहीं आ रहा ध्यान में, तो बैजापुर के मंदिर के सामने आप बैठे हुए हैं, आपके स्क्रीन पे पिक्चर शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जी की फोटो आ रही है और आप वहीं बैठे हैं। अपने आप को एकाग्र करिए, मन को विचारों रहित करिए, थॉटलेस शून्य की अवस्था में चले जाइए।
निर्विकल्प कर दीजिए मन को, कोई विचार नहीं, एक घंटे के लिए क्वारंटाइन हो जाइए और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए प्रभु के चरणों में और भावना भाइये, हे प्रभु हमने बहुत किया, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ करना है आपको करना है, हमने अपने मन की बहुत की, अब आप ही हमारे दिमाग को सद्बुद्धि दीजिए और हमसे वही कार्य होवें जो हमारे मोक्ष मार्ग के अनुकूल हैं, जो मोक्ष मार्ग के आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में समर्थ हैं, ऐसे ही कार्य हम करें और जल्द से जल्द मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हों, ऐसी भावना के साथ आज की शांति धारा और अभिषेक करेंगे। द्रव्य अनल्पगन चतुरात्मनै रामोदित समत दिगंतरालय मिश्रीकृतेन पैता जिन पोंगवानम त्रैलोक पावन महम स्मनम करोमि। ओम रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम विद्वादी महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति शंकर परम देव माता नामादे जम्मू दीपे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे महाराज प्रांते वैजापुर नामी नगरे श्री 1008 पार्षना जी चैतन्य मध्ये माघ मासे कृष्ण पक्षे तिथि सप्तम्याम दिन बुध गुरुवासरे मुनि आर्य का त्रावक दिन सोमवार दिन बुधवार रह गया दिन गुरुवार मुनि आर्य का त्रावक त्राविका नाम शकल कर्म छायार्तम सुगंधि जलते करोमि नमः नमः। दूरा बना मृतुर नाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणा च विगूत राग्रिम प्रतिद ताप मल मोक्ति मपिल प्रकष्टै भक्त्या जलै जिन पतिं बहुधा विसिंचे। ओम रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम वृद्वादी महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव माध्यानामादे जम्बू दीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते वैजापुर नामी नगरे श्री 1008 पार्षना जिन चैत्यालय मध्ये माघ मासे कृष्ण पक्षे तिथि सप्तम्याम दिन गुरुवासरे मुनि आर्य का श्रावक श्राविका नाम शकल कर्म छायातम सुगंधि जलाभिषेक करोमि नमः इष्टै मनोरथ सतैर्विभव्य पुंसा पुण्यै सुवर्ण कलशै निखिलावसानम् संसार सागर विलंगन हेतु सेतु मपला भये त्रभुनेक पतिंजिनेन्द्रम। ओम रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम वृद्वादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तंकर परम देव माता नामादे जम्बू दीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते वैजापुर नामी नगरे श्री 1008 पार्षना जिन चैत्यालय मध्ये माघ मासे कृष्ण पक्षे तिथि सप्तम्याम दिन गुरुवासरे मुनि आर्य का श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधि जलाभिषेक करोमि नमः नमः।
अर्घ ले लीजिए। उदक चंदन तांडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूपन अर्घ लई धवल मांगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महंगे जिन ग्रहे जिन अभिषेक महंगे। ओम नीम त्रीम त्रीम त्रिभुवनपते चतुष्कला जलाभिषेक करोमी अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम नृपामिति स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सभी लोग अपने डिस्ट्रैक्टिव माइंड में जो विचार आ सकते हैं ऐसे डिस्ट्रैक्टिव माइंड को स्वाहा कर दीजिए, कुमति कुबुद्धि को स्वाहा कर दीजिए, तभी सुबुद्धि और कंस्ट्रक्टिव माइंड आपका बनेगा। इसलिए सभी लोग अर्घ के माध्यम से इसको स्वाहा कर देंगे और चलेंगे शांति की खोज में, शांति धारा करेंगे, पवित्र जल को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, मंत्रित जल को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और उसके सहारे हम लोग हमारे पांचों चक्रात को क्लीन करेंगे। जो जितना ज्यादा कंसंट्रेट होके शांति धारा करेगा उसको उतना ही पवित्र मंत्रित जल प्राप्त होगा। आप लोग चाहें तो अपने घर अपने पूजा के स्थान के सामने भी एक कटोरी में जल रख सकते हैं और उसको लास्ट में आप इलायची के दाने डाल दीजिए और लास्ट में आप पी लीजिए। अभी आप गंदों तक लेंगे, गंदों तक अनमोल की उंगलियों के सहारे से आप लेंगे कल्पना में शांति धारा का और चलेंगे शांति धारा करेंगे। पूर्ण रूप से एकाग्रता और बढ़ाइए आप, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाइए। हम लोग सिक्स नंबर के श्लोक का अनुष्ठान करने जा रहे हैं। पूरे ब्रेन में आपके वाइब्रेशंस होना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री भीतरागाय नमः, ओम नमो अनंते भगवते श्रीमते श्री पार्थि तंग्राय द्वादश गण परिवेक्ताय शुक्ल जान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक बंत कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे दंडेन पला मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्तंगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अब्बाय मृत्यु छिंदे बिन्विंदे अतिकामाम रतिकामाम छिंदे बिन्विंदे रोदम अग्नि छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वशत्रुं सर्वोपतरणाम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वविघ्नाम सर्वभयाम छिंदे बिंदे बिंदे सर्वराज्यभयाम सर्वचोरभयाम छिंदे बिंदे बिंदे सर्वदुष्टमयाम सर्वरगमयाम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वात्मचक्रभयाम सर्वपरमंत्राम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वसूल रोगाम सर्वक्षय रोगाम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वक्रूर कुष्ठ रोगाम सर्वक्रूर रोगाम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वनरमानीम सर्वगजमानीम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वाश्मानीम सर्वगोमानीम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वमहितमानीम सर्वधान्यमानीम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वृक्षमानीम सर्वगुलमानीम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे सर्वपत्रमानीम सर्वपुष्पमानीम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे
सर्वफल मारीम सर्वराष्ट्र मारीम चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वदेश मारीम सर्वविश्व मारीम चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वताल ताकनि भयम सर्वेदनियम चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्वोनियम सर्वकर्माष्टकम चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोवल सौरवीर शांति कुरु कुरु सर्वजनानंदनाम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनाम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनाम कुरु कुरु ग्राम नगर खेत करवट मटपन पत्तन द्रोणामुख शंभानंद नाम कुरु कुरु लोकानंद नाम कुरु कुरु देशानंद नाम कुरु कुरु यजमानंद नाम कुरु कुरु सर्व दुःखम हन हन दय दय पच पच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुकं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते स्वस्तिरस्तु विधीयते स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुल गोत्र धन दान सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु भास्तपूज मल्ली वर्धमान पुष्पधन शीतल मुंशोव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ देव्यो जिनेभ्यो नमः अस्माकं श्री अस्माकं श्री अनमोल जी और रौनक जी पाटनी पहला नाम अनमोल जी रौनक जी पाटनी बैजापुर कुसुम जालन जी जागृति जालन कोलकाता मायसा ईशान समायरा सांबिवी सिद्धेश जैन अमन जैन और उसके साथ हैं यतन जैन आगरा शोभना जी ठोले कोपरगांव सीमा सारोगी शिलांग सलील सालनी भंडारी सुहानी भंडारी सुजय जैन एंड सारिया जैन प्रदीप जैन जी कासलीवाल खामगांव सिरस जैन मालपानी बैजापुर कैलाश पहाड़े अंकिता पहाड़े औरंगाबाद सुनीता जी कटनी इन्होंने हेल्प के लिए भावना भाई है नित्या एंड नमन नागपुर नित्या एंड नमन जैन नागपुर वंशिका जैन कोटा विभूति एंड सौरभ जैन अजमेर भाग्येश एंड रितेश जी कोलकाता मीतल दीसा हृदयुल नक्श क्यारा उर्मिला जी भावना के दोनों पोते पोती हैं इनकी तरफ से भी सम्यक एंड साक्षी गोटी से साहिल जैन और उसके बाद पूजा जैन जयपुर इन्होंने 21 दिन के लिए भावना भाई है दिवित तनिष कृषि जिया भंडारी ये हमारे प्रकाश भंडारी जी के बेटे हैं इन्होंने भावना भाई है और कंचन भंडारी जी उनकी पत्नी है उन्होंने भी स्वास्थ्य लाभ के लिए भावना भाई है परिधि जैन इन्होंने अपने जाप के लिए भावना भाई है कि इन्हें जल्द से जल्द अच्छा जाप मिले भगवान उनकी इच्छा पूर्ण हो दर्शिका अद्वैत पूजा यशपाल जी कोलकाता रिद्धि भट्ट सोहम चटर्जी श्लोक मलानी दिशा जैन यूएसए से हैं निमिषा जैन दिल्ली से हैं मयंक जैन आगरा श्रेयांश सारोगी शिलांग सार्थक आतिश आशिका अक्षत ईशान ठोले कोपरगांव आर्यन छावड़ा सिंगापुर आर्यन छावड़ा
सिंगापुर से हैं, आगम छावड़ा सूरत से, आर्यम छावड़ा सिंगापुर से और आगम छावड़ा सूरत से, और इन्होंने अपने बाकी वाले परिवार में अपने बेटा बेटी और पोता पोती के लिए भी भावना भाई है। पार्थ एंड रुचि, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है 16 फरवरी तक, 16 फरवरी को उनकी मैरिज एनिवर्सरी है पार्थ एंड रुचि की, तो उन्होंने बोला है 16 फरवरी तक हमारे नाम से संतरा कराई जाए, उनकी खूब खूब उनकी मैरिज एनिवर्सरी की बधाई। मनीष जैन, इन्होंने हेल्थ इशू के लिए भावना भाई है, और सुनीता जी कटनी, इन्होंने हेल्थ इशू के लिए भावना भाई है। हमारी ममता जी पारेख भोपाल वाली, प्रमिला जी नार कोलकाता, और जिनके भी हेल्थ इशू थे जो पहले से नाम चल रहे थे, सौरभ जैन जयपुर, सूरज जी गिरिया दिल्ली, मधु जी काष्टिया मुंबई, और नीरज जी सुराना हैदराबाद, पिट्टी जी ठोले जिनका एक्सीडेंट हुआ है, सानिध्य जैन इसूल जैन और गिरीश जैन, कुसुम जालन जी, पुष्पा जी कलकत्ता। इस प्रकार सभी की तरफ से भावना बातें हैं, और हमारे जितने तीनों संस्थाएं हैं आयोजन जो कर रही हैं उनके उनसे जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, ललिता जी, संतोष जी, अरियन जी, सोनी जी और सोनल जी जयसवाल, नीरज जी, जय सिंह जी, केतन जी, प्रशांत जी सुराना हैदराबाद, नीलम जी मुंबई, और डॉक्टर मंजू संदीप जैन, संदीप भाई साहब का कल बर्थडे था शायद, तो हम लोग सब उनका अपनी तरफ से उनको बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, उनको जन्मदिन की खूब खूब मुबारकबाद, और उनके नाम से शांति धारा भी करते हैं। मंजू जी, संदीप जी जैन, अर्चना डॉक्टर अर्चना विनय जैन, और हमारे किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो ऐसी भावना हम भाते हैं। हमारे जितने IBS परिवार के और भक्तम परिवार के हीलर लोगों को हीलिंग दे रहे हैं, उनके सबके परिवारों में शांति बनी रहे। संतोष जी अनमोल जी पाटनी बेजापुर, और हमारे जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, जो जुड़ रहे हैं, जो जुड़े थे या जो जुड़ेंगे, उन सब की ओर से भावना बातें हैं, सबके घरों में शांति बनी रहे। जिन बच्चों का हम नाम नहीं ले पाए उनके तरफ से भी भावना बातें हैं, उनके भी तरफ से उनको भी सब बुद्धि मिले, उनके बुद्धि का विकास हो भगवान, और अच्छी अच्छी ऊंचाइयों को छुए, कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगे रहें, ऐसी भावना हम बातें हैं। इस प्रकार से सोहनलाल जी जैन, सोहनलाल जी जैन का फोन आ रहा है, उनके भी बेटे की भावना हम बातें हैं। सोहनलाल जी जैन और सभी लोग इन्हीं भावनाओं के साथ अपना आज के संचार बोलेंगे। सभी लोग, सोहनलाल जी जैन का फोन आया है, कल उनके बेटों का नाम ले लेंगे, आज हम भूल गए हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, तो सोहनलाल जी जैन के सभी पोता पोती जितने हैं उनकी तरफ से भी हम भावना बांटते हैं। श्री शांति रस्तु, शांति चैट बॉक्स में बहुत नाम है, अंजू जैन, सारिका जैन, इनका 60 फरवरी को बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी है, मायरा कासलीवाल चौमू जयपुर संजारा, कल से हम चैट बॉक्स के नाम नहीं लेंगे, जिनको लेना है व्हाट्सएप में नाम देंगे, या तो अनमोल के नंबर पे दे दें या हमारे नंबर पे दे दें, डिस्टर्ब होता है। निशी जैन, सुनील गोदा, निशी सुनील गोदा, इनकी तरफ से भावना बांटते हैं। मान्यता तेजस, चंचल बजरंग नेपाल से हैं, नैना पाटनी कलकत्ता से हैं, सरस सारांश एंड रियांशी अलीगढ़ से हैं, और सौर्या मालू, बीर मालू कोलकाता से है, धवित अभिका, सुनीत जैन जयपुर से, उदित जैन भयंदर मुंबई से, सौम्या एंड रिद्धिमा मुरादाबाद से, मायरा कासलीवाल, नित्या समाह तासवी है, और अजमेर से विभूति एंड सौरभ के लिए कोटा, और सोहनलाल जी के दोनों पोतों का नाम हम समझ गए, बोल रहे हैं हम, कल उनका नाम भी बोलेंगे, फोन में बात नहीं हो पा रही है। इस प्रकार
सभी की तरफ से हम सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज शांति धारा करेंगे। श्री शांति रस्तु शिवमस्तु ज्योस्तु नित्यमारोमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोत्र धन दान तथा संत कुल गोत्र धन दान तथा संतु सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृत्ति रस्तु तथास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु बाक्य पूज मल्ली वर्धमान पुष्प शीतल मुनसोप्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ तेप्यो नमः। और एक नाम और आए हैं सुरेंद्र कुमार जी मोनाली जैन और पूरा परिवार सुनील कुमार जी मोनाली परिवार सुरेंद्र कुमार जी जैन। ओम नमो अनंते भगवते श्रीमते प्रशिक्षण दो कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांति नाथाय शांति कराए सर्व पाप नाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम रह अस्या उषा अरम नमः। सर्व शांति कुरु कुरु बसत स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अरम अश्या उषा अनाहत विद्याय रमोरियंतरम ओम ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अरम अश्या उषा अनाहत विद्याय नमोरियंतरम रोम रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अरम अश्या उषा अनाहत विद्याय नमोरियंतरम रोम रोम नमः स्वाहा। रोम रोम नमः स्वाहा। संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानम देतस्त राष्ट्रस्त पुरस्त रज्ञा करो तो शांति भगवन जिनेन्द्र करो तो शांति भगवन जिनेन्द्र करो तो शांति भगवन जिनेन्द्र। इति शांति धारा उदक चंदन तांदुल पोष्पे कई चरु सुदीप सुदूपल अर्गिले धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ मंगजे जिन ग्रहे जिन अभिषेक मंगजे जिन ग्रहे जिन शांति धारा महम यजे। ओम नीम श्रीम क्लीम त्रिभुवनपते शांति धारा उपरांते अनर्ग पद प्राप्ताय अर्गम निर्पामिति स्वाहा। अर्गम निर्पामिति स्वाहा। अर्गम निर्पामिति स्वाहा। सभी लोग 24 भगवान का चढ़ाएंगे दीदी चलवाएंगी और सोहनलाल जी का फोन बार बार आ रहा है उनके बेटे के नाम हमने मतलब ले नहीं पा रहे हैं आवाज नहीं आ रही है उनके बेटे की तरफ से बेटे पोता पोती की तरफ से भी हम शांति धारा कर रहे हैं दोनों पोते और दो दोहितों की तरफ से आज के शांति धारा शांतिलाल जी भाई साहब ने भी सोहनलाल जी भाई साहब ने भी करवाई है। वृषभ अजित संभव अभिनंदन
सुमति पद्म सु पार्श्व जिन राय चंद्र पोहु पशीतल श्रेयांस नमी पार्श्य पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतु अर मल्लि मनाय मुनि सूरत नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय जल फल आठो सुचि सार ताको अर्घ करो तो तुमे को अरे पो भवतार भवतरि मोक्ष वरु चौबीसो सिर दिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पंद पावत मोक्ष मही। ओम रिम शिवेशवादी विरांत्यो भय अनंत पद प्राप्त आये अर्घम निपामती स्वाहा। तो चौबीसो भगवान की जय जय जय। तो पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। तो शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। तो आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय जय जय। चलिए इस पवित्र अनुष्ठान में पवित्र शांति धारा के द्वारा हमें जो गंधोतक नमन अभिषेक की प्राप्ति हुई है, मंत्रित जल की प्राप्ति हुई है, उससे हम अपने चक्राज को क्लीन करने की कोशिश करेंगे। पिछले 24 घंटे में जो मलिनता छा गई है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। और सभी लोग तैयार हो जाइए। गंधोतक की बॉल देखिए, अनमोल जी की उंगली उसमें जा रही है, आपकी उंगली भी वहां जा रही है, कल्पना करिए। और आप गंधोतक ले रहे हैं, आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है। गंधोतक ले रहे हैं, अनमोल गंधोतक लो। गंधोतक ले रहे हैं और आपके चक्राज क्लीन हो रहे हैं। पांचों चक्राज में नमी आ गई देख लीजिए आप। और आप इस पवित्र जल का सहारे अपने चक्राज को सक्षम कर रहे हैं ऊर्जा लेने के लिए। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकं वंदे कर्माष्टक निवारणम कर्माष्टक निवारणम कर्माष्टक निवारणम। चलिए अब हमारे चक्राज सामर्थ्यवान हो गए हैं, ऊर्जा ले पाएंगे। सभी लोग दर्शन कर लीजिए। ओम नीम अनम त्रि पार्श्ना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नीम अनम त्रि पार्श्ना जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नीम अनम त्रि पार्श्ना जिनेन्द्राय नमो नमः। चलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। तीन कम नौ कोटि कोटि मुनि महाराजों की जय जय जय। चलिए अब हमारे स्पिरिचुअल इनिशिएशन की ओर चलते हैं। हम 6 नंबर के श्लोक का अनुष्ठान की ओर श्रम एंड श्रूम बीज अक्षर की जाप करेंगे। गंधोदक के द्वारा सभी के ज्ञानमय कोष को एक्टिव कर दिया गया है। अब छठे श्लोक का
मन वचन का के साथ में, श्रद्धा के साथ में आप इसका स्तुति करें और रिद्धि मंत्र बीज मंत्र को अपने अंदर में पूरा लें और साथ ही बीज मंत्रों का जो जाप करवा रहे हैं उसको लें, ताकि हमारे जो ज्ञान का कोष है और आगे बढ़े और हम जिनवाणी को कंठ में धारण कर सके। जय जिनेंद्र। धन्यवाद ललिता जी। चलिए हम चलते हैं हमारे स्पिरिचुअल सेशन की ओर। हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। एक मिनट, ये सोहन लाल जी बहुत ही फोन कर रहे हैं, प्लीज सोहन लाल जी अभी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, फोन मत करिए। आपकी जो बात है हम सब तक पहुंचाने ही वाले हैं कि आपको 6 तारीख को कुछ दिखाना है, नाटिका दिखाना है नशा मुक्ति के ऊपर। सोहन लाल जी को आवाज नहीं आ रही है, आप बार बार फोन ना करें। सोहन लाल जी को एक नाटिका दिखाना है बॉम्बे से नशा मुक्ति की, 6 तारीख को शाम को 5 बजे हम वो जरूर दिखाएंगे। हाँ आगे चलेंगे हम। हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में। मुनि आरिका बन के विचरूं, मुनि आरिका बन के विचरूं, वन वन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलेंगे हम हमारे सेशन की ओर, जो कि हमारा आओ चले बौद्धिक विकास की ओर। हम अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए इस सेशन का 6 नंबर श्लोक का पाठ हम कर रहे हैं। सभी बच्चे इतनी उल्लास के साथ, सब बच्चों की माता पिताएं अपने बच्चों के नाम लिखा कर शांति धारा करवा रहे हैं, ताकि बच्चे आज के जो बहुत चंचल होते हैं उनके अंदर शांति प्रस्थापित हो। बहुत ही सुंदर, कल से बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने सारे बच्चों के नाम शांति धारा हो रही है। यदि बच्चों में 5% भी शांति प्रस्थापित हो गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शांति धारा नाम मात्र से काम हो जाता है। बच्चों के नाम आप यदि शांति धारा में ले रहे हैं तो वो बच्चों के अंदर की खुशी को आप महसूस करिए। कितनी खुशी होती है कि आज हमारे नाम की शांति धारा हुई, और वो ही खुशी उसके अंदर जाके उसकी शांति प्रस्थापित करती है। तो इस प्रकार ये सेशन बच्चों को तो देखने के बाद हर किसी के मन में खुशी आती है, उसी प्रकार से ये सेशन में बहुत ज्यादा सभी के अंदर खुशी प्रस्थापित और शांति की लहरें भाग दौड़ कर रही है। उसी के साथ हम बोलेंगे, बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आदि प्रभु के चरणों में 2 पद रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, मुद्योदकम दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम्यजिड पाद युगम युगादा, वालंबणम भव जले पत ताम जनाना। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दुतभूत बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथे, स्तोत्रै जगत त्रितय चित्त हरै रुदारै, स्तोषै किला हमपितम
प्रथमं जिनेन्द्रम। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय जय जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बिहार में चल रहे समस्त आरिका संघ की जय जय जय। सभी के आहार विहार निरंतराय हो, इसी भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं, हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स, उनका आज के इस सेशन में, सिक्स नंबर श्लोक के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को बहुत बहुत जय जिनेन। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, उन सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है तथा सभी को जय जिनेन करते हैं। और हमारे जो फेसबुक पे है उनको भी हम जय जिनेन करते हैं। आगे हम चलते हैं सिक्स नंबर श्लोक की ओर। सभी लोग सोचिए, एक ज्ञान की बगिया में बैठे हुए हैं। पांचों ज्ञान, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ज्ञान की बगिया में बैठे हुए हैं। पांचों ज्ञान के सरोवर, ज्ञान के सरोवर में हम बैठे हुए हैं। उसी ज्ञान के सरोवर में आदि प्रभु की प्रतिमा झलक रही है। और आदि प्रभु के प्रतिमा से वो शांति की लहरें सभी के अंदर प्रस्थापित कर रही है। उसी शांति की लहरें को सभी माता पिता, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के रूम में बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो शांति की लहरें अपने बच्चों के रूम में, स्टडी रूम में, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन बच्चों के रूम में डाल रहे हैं। बच्चा मेरा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पावरफुल है। You are very powerful. You are peaceful. बच्चा मेरा बहुत शांत प्रिय है। बच्चा मेरा बहुत पेवर है, पवित्र आत्मा है बच्चे की। निरंतर मम्मी पापा बच्चे से कह रहे, आप बहुत अच्छे हैं। डिसिप्लिन और लव का पूरा बैलेंस बना रखे है। बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ सारी बातें शेयर कर रहा है। आप एक्सेप्ट कर रहे हो। उसके अंदर कोई किसी प्रकार की, किसी भी प्रकार का कुछ कंपटीशन का कोई भाव, क्रिटिसिज्म का कोई भाव उसके अंदर ना रहे। पूरी कोशिश आप कर रहे हैं और आप बच्चों के इमोशन के साथ जुड़ रहे हो। बच्चों के इमोशंस के साथ जुड़ना, कनेक्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के इमोशन से जुड़ने से ही बच्चों का बिहेवियर बनता है। और
इमोशन से जुड़ते ही बच्चों का पॉजिटिव बिहेवियर बन चुका। बच्चों के इमोशन से कनेक्ट हो चुके माता पिता, बच्चों का बिहेवियर शांत पूर्ण पीसफुल बन चुका है। हर बात आपके साथ शेयर कर रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसे पीसफुल बिहेवियर के साथ हम चलेंगे आगे। सिक्स नंबर श्लोक की ओर। एनिमेशन पहले देख के फिर श्लोक पढ़ते हैं। बौद्धिक क्षमता विकसित करने के लिए, आईक्यू और मेमोरी का पावर बढ़ाने के लिए सिक्स नंबर श्लोक का पठन करेंगे। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम यत्को किलह किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकाणि करैक हेतु। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्को किलह किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकाणि करैक हेतु। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्को किलह किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकाणि करैक हेतु।
अल्प श्रुतम श्रुतवता परिहास धाम तद्भक्ति देव मुखरी कुरुते बलान माम यत्को किल किल मधव मधुरम विदोति तचाम्र चारु कलिकानि करै कहेतु अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम यत्को किल किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकाणि करै कहेतु अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम यत्को किल किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकानि करै कहेतु अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम यत्को किल किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकाणि करै कहेतु अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान् माम यत्को किल किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकाणि करै कहेतु अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान् माम यत्को किल किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्र चारु कलिकानि करै कहेतु। चलेंगे मंत्रों की ओर। मंत्र मय होना है, हमें मंत्र मुग्ध होना है। ओम ह्रीं श्याम श्रीं शूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्याम श्रीं शूं श्रः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्याम श्रीं शूं स हं सं थ थ थ थ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्याम श्रीं शूं स हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्याम श्रीं शूं स हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्याम श्रीं शूं स हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्याम श्रीं शूं स हं थं
सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सां श्रीं सूं सः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम गुरु गुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं सूं स हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं सूं स हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं सूं स हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं सूं स हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं सूं स हं सं थ थ थ थ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं सूं स हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं सूं स हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं सूं स हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं सूं स हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं सूं स हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं सूं स हं सं थ थ थ थ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं सूं स हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं सूं स हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या
सात सादम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्याम श्रीं सूं सः हं सं सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्याम श्रीं सूं सः हं सं थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम गुरु गुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्यां श्रीं शूं श्रं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्यां श्रीं शूं श्रं सं थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्यां श्रीं शूं सः हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। चलेंगे हम रिंति क्यों, मंत्र से ही रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। दोनों हाथों को सहस्त्र चक्र पे रख लीजिए और स्काय तत्व से पूरी ज्ञान शक्ति आपके अंदर प्रभावित हो रही है। ऊपर सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान रूपी ज्ञान से अनंत ज्ञान आपके अंदर समाहित हो रहा है। ओम ह्रीं अरं नमो कोट बुद्धिणं झूं झूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो कोट बुद्धिणं झूं झूं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं नमो कोटबुद्धिणं झुं झुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं नमो कोटबुद्धिणं झुं झुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं नमो कोटबुद्धिणं झुं झुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं नमो कोट बुद्धिनम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो कोट बुद्धिनम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो कोट बुद्धिनम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो कोट बुद्धिनम झुम झुम नमः स्वाहा। दोनों हाथों को मिडिल चक्र पे। ओम ह्रीं अरं नमो कोट बुद्धिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो कोट बुद्धिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो कोट बुद्धिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं नमो कोट बुद्धिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं नमो कोट बुद्धिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं नमो कोट बुद्धिनं झुं झुं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं नमो कोट बुद्धिनं झुं झुं नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं अरुं नमो कोटि बुद्धि नम झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरुं नमो कोटि बुद्धि नम झुं झुं नमः स्वाहा। आपका हृदय आनंदित हो चुका, लव से भर चुका, लव का बैलेंस आपके अंदर आ चुका मिडल चक्र से। आपका हृदय स्नेह से भर चुका। आगे चलेंगे नाभि चक्र की ओर, दोनों हाथों को नाभि चक्र पे स्थित करेंगे। मदर अर्थ से पैरों के माध्यम से हमें एनर्जी लेना है, रेड ऑरेंज येलो, येलो कलर जो कि बौद्धिक क्षमता बढ़ाने का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, पीसफुल जो हमारे अंदर पीस भरता है, शांति प्रस्थापित करता है। ओम ह्रीं अरुं नमो कोटि बुद्धि नम झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरुं नमो कोटि बुद्धि नम झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरुं नमो कोटि बुद्धि नम झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरुं नमो कोटि बुद्धि नम झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरुं नमो कोटि बुद्धि नम झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरुं नमो कोटि बुद्धि नम झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरुं नमो कोटि बुद्धि नम झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरुं नमो कोटि बुद्धि नम झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरुं नमो कोटि बुद्धि नम झुं झुं नमः स्वाहा। चलेंगे हम बीजाक्षर की ओर। उसके पहले आज हमारा त्याग का रह गया था, जब तक हम अनुष्ठान में है तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार के त्याग, और तीन हमारे वो भी निकालना है हमें नियम, फिर हम बीजाक्षर की ओर चलेंगे। तीन नियम, मंदिर जी में एक पुस्तक दान दे दे सकते हैं तो आप दे सकते हो, पुस्तक दान दे कोई भी एक अपन शास्त्र जी खरीद कर मंदिर जी में दान कर सकते हैं, नहीं हो तो उसका पैसा भी हम उसमें डाल सकते हैं कि जिनवाने छपवाने के लिए। और दूसरा आया है तेल क्रीम पाउडर लगाने का त्याग, अभी सुबह लगा लिए तो लगा लिए, हम शाम तक तेल क्रीम पाउडर किसी का भी यूज नहीं करेंगे। और हम जब घर से बाहर निकले तो 9 बार नौकार मंत्र पढ़ के ही निकलेंगे। घर से बाहर 9 बार मंत्र पढ़ लीजिए और पीछे पलट के 1 बार अपने घर को देख लीजिए और फिर निकल जाइए। ये 3 नियम। चलेंगे अब हम हमारे बीजाक्षर की ओर। श्रम बीजाक्षर की जा
सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। श्रम 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 श्रम
सम 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 सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। चलेंगे शुम बीजाक्षर की ओर। सोचिए शुम बीजाक्षर से आपकी बुद्धि क्षमता बढ़ रही है, आईक्यू मेमोरी पावर बढ़ रहा है, सहनशीलता बढ़ रही है। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। शुम 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 शुम
सुम 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 सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चैतन्याय नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक जाप हमारी नमो नानस्य की,
दोनों हाथों को अपने शरस्ताल चक्र पे रखेंगे। नानम नरस्य सारो 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 नानम नरस्य सारो। दोनों हाथों को कंठ पे नमो जिनानम 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 नमो जिनानम। ज्ञान ही सारभूत है, बोले आदिनाथ भगवान की जय। ज्ञान ही मनुष्य जीवन में सारभूत है, इसी भावना के साथ हम चलेंगे आज छठे नंबर श्लोक का। हमें अर्थ लेना था, उसके मीनिंग भी हमें लेना है छठे नंबर श्लोक के, जो हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग भी हमें पता रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आचार्य मानतुंग द्वारा रचित यह भक्तांबर स्तोत्र के 6 नंबर श्लोक की आराधना हम कर रहे हैं। बोलिए मानतुंग स्वामी जी की जय। उन्हीं के ये अल्पश्रुतम जो श्लोक है 6 नंबर का, उसी का अर्थ हम जानेंगे। पहले 2 श्लोक में तो उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, लेकिन 3, 4, 5, 6 जो 4 श्लोक है उन 4 श्लोकों में उन्होंने अपनी लघुता, लघुता से ही प्रभुता मिलती है, अपनी लघुता उसमें उन्होंने बताई है। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम यत्को किलह किल मधो मधुरम विरोधी तच्चाम्र चारु कलिकाणि करे कहे। तो श्लोक को ला देते हैं सामने, तो आप लोग अच्छा समझेगा। अल्पश्रुतम यानी अल्प ज्ञान वाले, बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। अल्पश्रुतम यानी अल्प ज्ञान वाले, श्रुतवताम यानी विद्वानों की, श्रुतवताम यानी श्रुत को जानने वाले विद्वान, परिहास धाम यानी हसी का पात्र, परिहास धाम यानी हसी का पात्र। उसके बाद तद्भक्ति, तद्भक्ति यानी तद यानी आपकी भक्ति, एव एव यानी मुखरी कुरुते बलान माम, रे तद्भक्ति रेव यानी ही, एव यानी ही, बलात यानी बलपूर्वक, बलात यानी बलपूर्वक। उसके बाद मुखरी पुरुते, मुखरी, मुखरी यानी वाचाल करना, प्रेरित करना, मुखाग्र होना, प्रेरित यानी मुखरी कुरुते, मुखरी यानी वाचाल करना, प्रेरित करना, मुखाग्र होना, कुरुते यानी कर रही है। उसके बाद कोकिलह, कोकिलह यानी कोयल, किल किल यानी निश्चय से, यत्को किल किल, किल यानी निश्चय से, मधौ मधुरम, मधुरम यानी मीठा,
मधुरम यानि मीठा, कुकति है यानि तत्, कुकति विरोति, मधुरम विरोति, विरोति यानि कुकति है। उसके बाद तच्चाम्र चारु कलिकाणि करैक हेतु, तच्चाम्र चारु तच यानि उसमें, आम्र यानि आम की, चारु यानि सुंदर, कलिकाणि कलिकाणि मंजरी, आम की मंजरी, नी करैक हेतु, नी कर, नी कर यानि समुदाय, निकर यानी मंजरी का समुदाय, एक हेतु मात्र कारण है, हेतु यानी कारण, हेतु यानी कारण, अब उसका अर्थ देखेंगे। हमने शब्दार्थ देखा तो इसमें मानतुंगा आचार्य जी क्या कह रहे हैं, मैं अल्प ज्ञानी, मैं कैसा हूँ, अल्प ज्ञानी, विद्वानों की हंसी का पात्र होता हुआ भी आपकी भक्तिवश आपकी स्तुति करने को तत्पर हुआ हूँ। मैं कैसा हूँ, अल्पश्रुतम यानी अल्प ज्ञानी हूँ, मैं विद्वानों के हंसी का पात्र भी बन सकता हूँ, लेकिन करूँ क्या, आपकी भक्तिवश ही आपकी स्तुति करने को मैं तत्पर हुआ हूँ। तो कैसे तत्पर हुआ हूं, जिस प्रकार वसंत ऋतु में कोयल आम्र की मंजरी को देखकर कूजने लगती है। कोयल कब कूजती है, 12 महीने कूजती है क्या, नहीं, कोयल कब कुकुक करती है, जब वो वसंत ऋतु में आम की मंजरी को देखती है तो कुकुक करने लगती है। उसी प्रकार आपकी भक्ति के कारण भी मेरी वाचाल फूटने लगी। यदि कोयल की आवाज मीठी होती तो वो 12 महीने नहीं कूकती। तो उसी प्रकार आपकी भक्ति, आपको देखने के बाद आपकी भक्ति के कारण ही मेरी वाचाल फूटने लगी और मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार से यहां बता रहे हैं कोयल का उदाहरण देके। कोयल छुप कर बोलती है, उसके कंठ के पंख विशेष काले होते हैं, गले का रंग भी ग्लॉसी ब्लॉक होता है, गले के जो पंख होते वो थोड़े चमकीले भी होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बताया कि जिस प्रकार कोयल 12 महीने नहीं कूदती, आम की मंजरी को देखते कूदती है वसंत ऋतु में, उसी प्रकार मैं भी आपको देखने के बाद कूकने लगता हूँ। मेरे अंदर भी वो आपकी गुण रूपी मंजरी को देखता हूँ तो भक्ति के भाव उमड़ित हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं, मैं इतना ज्ञानवान नहीं हूँ, मैं हंसी का पात्र भी बन सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, आपको देखने के बाद मुझसे रहा नहीं जा रहा है और मैं अल्प ज्ञानी होने के बाद भी आपके गुणों की वंदना, तो गुणों का वर्णन, आपके गुणों का वर्णन तो करने के में लायक हुई नहीं, लेकिन करूं क्या, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम के बारे में बताया गया, 6 नंबर श्लोक के बारे में। उसके बाद हम चलेंगे मंत्रों की ओर। मंत्र ओम ह्रीम श्याम श्रीम, ओम सबको पता है, पंच परमेष्ठी गर्वत है, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जी। ह्रीम जो है ये कल्याण वाचक है, और श्याम श्रीम श्रूम श्र ये पूरे कीर्ति बीज है, पूरे कीर्ति फैलाने वाले, बुद्धि का विकास करने वाले, सरस्वती वाचक। उसके बाद हम सम ये विशापाहार बीज है, थ थ जो है ये चंद्र बीज है, थ जो है ये लक्ष्मी बीज का संयोगी है, थ थ थ
और ठ ठ जो है कठिन कार्यों की सिद्धि भी इससे होती है, चंद्र भी जिसे कहा जाता है। उसके बाद सरस्वती, भगवती और विद्या, तीनों की तीनों चीजें इसमें आ गई। भगवती यानी जिनवानी, तीनों भी चीजों को यहाँ पर बारंबार कुरु कुरु स्वाहा यानी बारंबार नमस्कार किया गया है। उसके बाद आता है कोट्ठ बुद्धिनम, ओम ह्रीम अरम नमो कोट्ठ बुद्धिनम झूम झूम नमः स्वाहा। कोट्ठ बुद्धिनम मैंने जिस प्रकार बेयर हाउस आपने देखे होंगे, वहां बहुत सारा अनाज भरा रहता है, अलग अलग किसानों का भी सुव्यवस्थित रखा रहता है, और वो जब किसान उस अनाज को वापस लेने आता है तो उसे एक एक बोरे को खोल के नहीं देखना पड़ता कि मेरा अनाज कौन सा है, किसमें है। मात्र उसको वो चौकीदार एक इंगित कर देता है कि वो आपका है और वो उठा लेता है। उसी प्रकार से कोट बुद्धिनाम झोम झोम नमः स्वाहा, जो रिद्धिधारी मुनिराज है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार किया गया है जिनकी बुद्धि में सारा का सारा द्वादिशांग का सार, जो हमारी द्वादशांग जिनवानी माता है, सारा का सारा द्वादशांग जिनवानी का सार उनके बुद्धि में अलग अलग व्यवस्थित रूप से धारण करने की क्षमता है, और वो व्यवस्थित रूप से उनके बुद्धि में रखा हुआ है। ऐसे मुनीश्वर को यहाँ नमस्कार किया गया है जिनकी बुद्धि में सारा का सारा द्वादशांग का सार व्यवस्थित रूप से रखा है, और जब उनको जरूरत पड़ती तब वो थोड़ा थोड़ा उसको निकालते जाते हैं। बेयर हाउस के जैसे ही पूरा का पूरा द्वादशांग जिनकी बुद्धि में, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को यहाँ नमस्कार किया गया है। यहाँ पर ओम का मतलब आपको पता है पंच परमेश, रीम यानी 24 तीर्थंकर, अरम यानी अभियंत भगवान, नमो यानी नमस्कार, अरम का दूसरा अर्थ है अहंकार को नष्ट करना, झोम झोम नमः स्वाहा, ऐसे शक्तिशाली मुनिराज को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। इस प्रकार से हमने इसके श्लोक मंत्र और रिद्धि का अर्थ हमने समझा 6 नंबर श्लोक का। आगे हमें वो लेना था, समय हम देख रहे, समय काफी हो गया, हमें आज वो तत्वों की तो चर्चा शुरू करनी है, देखते देखते जैसे भी होगा हम कल कर लेंगे। तो यहाँ आज हमें स्वाध्याय का सेशन हमारा यही करते हैं एंड, फिर कल से हम दूसरा स्वाध्याय लेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने 6 नंबर को समझा, आगे हम प्रतिक्रमण करते हैं और सेशन को एंड करेंगे। दोनों हाथ हृदय कमल पर, गौवासन में बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। हे अरियंत प्रभु, मुझसे समरम समारंभारम कृतकालित अनुमोदना मन वचन काय क्रोध मान माया लो प्रमाद इत्यादि विभागों द्वारा सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, असाधना हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एक इंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव का मेरे द्वारा घात हुआ हो, दिल दुखा हो, या उनके शरीर में आदि व्याधि पोची हो, तो मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। आज के इस अनुष्ठान में मेरे द्वारा गलती से पढ़ने पढ़ाने में, सुनने सुनाने में, समझाने में, अक्षर स्वर मात्रा व्यंजन किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करे। तथा आज की शांति धारा में किसी बच्चों का नाम लेना छूट गया हो तो हमें क्षमा करे और व्हाट्सएप पे नाम दे दे। आज का यह अनुष्ठान, नया दिवस आपने दिया नए अनुष्ठान के साथ, इसलिए हे प्रभु
हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, मेरी बुद्धि का विकास हो चुका है, मेरी बुद्धि की क्षमता बढ़ चुकी है, मेरा क्षयोक्षम ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, मैं ज्ञानवान बन रहा हूँ। ज्ञानोहम 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 ज्ञानोहम। परम शास्त्र स्वरूपो परम शास्त्र स्वरूपो हम, परम ज्ञानो हम, परम ज्ञानो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। सबको जय जिने, सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। बोली आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग दिनवानी माता की जय। जय चलिए बच्चों को ले ले, कोई बच्चे हैं आज? एक आध दो बच्चों के सुन लेते हैं एक्सपीरियंस। बच्चे तो दिख नहीं रहे आज। बैंडेज कर दीजिए किसी के बच्चे हो तो। नानी अनम्यूट कर दो। इट इज ऑन अनम्यूट। हाँ बोलो, अभी आप बोलो। बक्तांबरो प्रणत मोली मनी प्रभु। दिख नहीं रही है, दिखाइए उसको। दिख नहीं रही। बक्तांबरो प्रणत मोलि मणि प्रभाना मोद्योतकं दरितो पापतमोवितानं सम्यत् प्रणम्य जिनपातयुगं युगाता वालंबनं भवजले पततं जिनानं यसंस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोध तद्भूत बुद्धि पटो भी सुरलोकनाथे स्तोते जगत्य चित्त हरेरुतारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बोध्या विना पिबे उतार चित्त पाद भीठ है
स्तोतुं समुद्यतम तत्रपोहं वालं विहाय जलसंसितमिन्दुबिम्ब मन्यक इच्छिन् सत्साग्रहीतम् वक्तुं गुणसमुच्य शुक्षाङ्ककान्तान् सुरगुरु प्रतिमा विबुद्ध्या कस्ते क्षमा कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमो विबुद्ध्या मैं अल्पश्रुतम बोलती हूँ। हाँ बोलो अल्पश्रुतम अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुकरि कुरु ते बलान्मान् यत्कोकिल किल मध मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरे कहेतु। मेरा नाम है रूही श्रीनिवासन। और कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ? सेकंड ग्रेड में पढ़ती हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप और अच्छे से लर्न करिए एक एक श्लोक रोज, बहुत अच्छा है ना बिंदु जी। भक्तांबर पूरा लर्न कराइए भाई ने। हाँ सिखा रही हूँ दीदी। एक और है रीशा है, वो भी बोलेगी। ठीक है बोलो बोलो। बहुत सुंदर नन्ही मुन्नी आवाज में भक्तांबर सुनो तो बड़ा प्यारा लगता है। वेरी गुड। भक्तांबर के नत मौली मनी प्याभाना मुद्यो तकम दलित पाप तमो विदानम सम्यत प्यनम यजन पाल युगम युगादा वालंबनम भवजलि पततम जनानम यसंस्थित सकलवान्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभि सकलोकनाते स्तोते जगत तेजित हृदागे स्तोषे किला हिमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधा चित्तपादपीठा स्तोतुं समुद्यतम दिग्विगतत्यपोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनसंस्थित सागरहितं वक्तुं गुणसमुद्य शशाङ्ककान्तान् कस्ते कल्पांत काल पवनु शशांक कांता हाँ बोलिए और आगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्ति एव मुखरि कुरुते बलान्मा यत्कोकिल किल मधौ मधुरं विरोति तच्छाम्यचार कलिकानि करे कहेतु। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। मंत्र दीदी आते हैं सिक्स नंबर के? मेरा नाम ईशा है। हाँ बोलो। मेरा नाम तोषित पाटनी है।
हजारीबाग से आदिनाथ भगवान की जय, भक्तामर स्तोत्र की जय। अल्प श्रुतम श्रुतवतम परिहास दामा, स्वर भक्ति देव मुखरि गुरु ते बलान्मा। यत् कोकिला किल मदा मधुरं विरौति, तच्चाम्र चारु कलिका निगरै कहेतु। ओम ह्रीं अरं नमो कोट बुद्धिरं जॉम जॉम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्याम श्रीं श्रूं श्रः हंसं थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी नाइस, इतना बढ़िया आपने बोला है। कितने प्यारा प्यारा बच्चे लोग बोल रहे हैं, बहुत ही सुंदर। चलिए नानी जी, शायद फोन आगे सेशन को एंड करेंगे। जय जिनेंद्र दीदी, हाँ मैं 11 साल की हूँ और मैं दुर्गापुर से हूँ। छठा आदिनाथ भगवान की जय, मानतु आचार्य की जय। अल्प शुद्धवताम परिहास धामा, त्वद् भक्ति देव मुखरी गुरु ते बलान्मा। यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति, तच्चाम्र चारु कलिका निगरैः कहेतु। ॐ ह्रीं श्याम श्रीं हंसं थ थ थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं गुरु गुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अहं नमो कोटिबुद्धिनं ॐ ह्रों नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अहं नमो कोटिबुद्धिनं ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अपर्णा जी, आपने अपनी अनुपमा जी, आपने अपनी बेटी को बहुत सुंदर सिखाया है। अनुपमा जी ने बहुत सुंदर, और मम्मी के साथ 6 नंबर की हीलिंग भी देते जाइए। आप अच्छे हीलर बन जाओगे। हाँ, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं और एक हाथ को ले ले। सिद्धि कासलीवाल जी अनम्यूट करें। सिद्धि जी, जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। मैं ओजर से सिद्धि कासलीवाल। अल्पाश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामा, तद्भक्ति रेव मुखरि कुरुते बलान्मा। यत् कोकिला किल मदा मधुरं विरौति, दीदी दो मिनट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय जिनेन्द्र। करना जोड़ना। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। सिद्धि को वापस अनम्यूट करना, एक मिनट। मेरा साची संदेश कोठारी। बोलो सिद्धि, अभी लेते हैं हम आपको। हाँ बोलिए बेटा। छठी गाथा बोलने वाली अल्पम शुद्धवता परिहास धाम, तद् भक्ति रेव मुखरी करुते बलान मन। यत् कोकिलः मधुरं विनोति, तच्च
चारु कलिकनिक रही कहे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मंत्र रिद्धि आते हैं ये पाठ किया है। हाँ रिद्धि मंत्र आते हैं पाठ करती हूँ। ठीक है कर लीजिए। जय जिने। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए फिर से। हाँ सिद्धि जी बोलो। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलाकिलमदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रा हम सम था 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम शरम नमो कुट्ठ बुद्धिनम रोम रोम नमस् स्वाहा। बहुत सुंदर। कुट्ठ बुद्धिनम रोम रोम नमः स्वाहा। बहुत अच्छा। छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा भक्तांबर बोल रहे हैं। बड़े बच्चे को ले ले। सोनलाल जी क्या बोल रहे हैं। बहुत फोन आ रहा है। मुझे पूरा भक्तांबर भी आता है। बहुत बढ़िया। हम जरूर सुनेंगे आपसे पूरा भक्तांबर। एक दिन हम संडे को जरूर आपसे भक्तांबर पूरा सुनेंगे। अच्छे से कर लो और जरूर। हाँ सोनलाल जी बोलिए क्या बोल रहे हैं। जो नशा मुक्ति के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है 6 फरवरी शाम को 5 बजे सबको इसमें जुड़ना है और उसका मैसेज आप जरा छोड़ दीजिए उसको। हाँ उसका मैसेज आप बना लेंगे। नशा मुक्ति अभियान 6 तारीख को शाम को मुक्ति अभियान है 6 तारीख शाम को 5 बजे। हाँ ठीक है। आपने बैनर डाले है क्या। मैंने बैनर बनाया था आपको दिया हुआ है। ठीक है मैं उस हिसाब से मैसेज बनाती हूँ। हाँ मैसेज बना के छोड़ दो। आज ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि परसों ही है। हाँ हाँ ठीक है ना। हम वैसे भी एक दिन पहले ही डालते हैं क्योंकि लोग भूल जाते हैं। और कल भी याद दिला दीजिएगा। जी बिल्कुल। और वो जो शांति धारा के लिए मैंने जो नाम दिए हैं वो हैं शांति धारा के लिए जो नाम दिए हुए हैं ना वो पूरे फरवरी के हैं। अच्छा पूरे फरवरी के ही वो हमने 300 दिन तक ही कर दिया है ना इसको। 300 दिन हमारा चलेगा उसके बाद ही हम नया सेशन शुरू करेंगे। हाँ हाँ वो रशीत जैन और मानव और क्रीब है 3 जनों के नाम है। हाँ रशीत जशीत जैन रशीत जैन और मानव एक मिनट मानव जैन क्रीब जैन रशीत जैन मैसेज में छोड़ा हुआ मैंने मैसेज में आपको छोड़ा हुआ। हाँ ठीक है रशीत जी मानव जी और क्रीब क्रीब क्रीव KRIV क्रीव KRIV JRIV जू K for कौवा। ठीक क्रीव KRIV ठीक है। ये मानव और क्रीव मेरे दोहित्रे हैं और जस्ट 6 तारीख को ठीक शाम को 5 बजे नशा मुक्ति पे एक नाटिका बॉम्बे से प्रस्तुत हो रही है तो सभी लोग उसे देखेंगे। इसी आईडी पे वो होने वाली है। हाँ अब हम कुछ बच्चे कल ले लेंगे। टाइम हमारा हो गया है एंड करेंगे हम थोड़े देर। किसी बड़े बच्चे को ले लेते हैं खाली बड़े किसी को लेके एंड करते हैं। रेखा जी का बंद है। अजीत जी अलवर वाले का शुरू है। अजीत जी को लेते हैं। रेखा जी का बंद हो रहा है।
जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए अजीत जी, नींद करिए से। मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद अनुमोदना देता हूँ कि आपने नए नए तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं। बच्चों के लिए जो वक्तांबर का 6 नंबर श्लोक शुरू किया है, आवाज आ रही है दीदी? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। हाँ बोलिए। बच्चों के लिए जो आपने वक्तांबर का 6 नंबर श्लोक शुरू किया है, 6 नंबर श्लोक में वास्तव में दोनों चीज गर्भित है। बच्चों के लिए तो है ही है ये, बुद्धि विकास के लिए, प्लस हम जैसे लोगों के लिए भी स्वाध्याय में हमारा ध्यान प्रवर्त हो, हमारा धर्म मार्ग में हमारा ये लगे, ये समय लगे, और धर्म के प्रति हमारी आसक्ति जागृत हो, शास्त्रों का स्वाध्याय में हमारा मन लगे, रुचि लगे, ज्ञानावरणीकरण का हमारा नाश हो, इसके लिए भी ये 6 नंबर श्लोक बहुत हितकारी है। इसी को ध्यान में रख करके आपने ये शुरुआत की है इसकी, तो मैं आपको बहुत 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 धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आपने इन चीजों का ध्यान रख के इस चीज को शुरू किया है। 6 नंबर श्लोक की वास्तव में महिमा तो बहुत ही अद्भुत है, जिसका कोई कह नहीं सकता। बुद्धि विकास के लिए बच्चों को आज इसकी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि बच्चों का इसी काल में बुद्धि का विकास करना आवश्यक होता है। बच्चे अपने सन्मार्ग में लग जाए, बुद्धि का विकास हो जाए, उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़े, उनका कैरियर का डेवलपमेंट हो, तो इसके लिए 6 नंबर श्लोक की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, जिसको आपने ध्यान में रख करके इसकी शुरुआत की है, तो ये बहुत अच्छा सोच का कार्य किया है। दूसरा, बड़े लोगों के लिए स्वाध्याय में मार्ग का में प्रवर्त होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम लोगों का जो समय है वो अब ऐसा होना चाहिए जिसको हम स्वाध्याय में निरंतर रखते रहे और हमारे धर्म मार्ग में थोड़ा थोड़ा बढ़ सके। आपने जो राह दिखाई है सन्मार्ग में बढ़ने की, ये बहुत ही अद्भुत और अनुपम है। आपके स्वाध्याय सेशन में शामिल होने के बाद हमको लगता है कि स्वाध्याय करना कितना जरूरी है, कितना इसमें कर्मों की निर्जरा होती है, कितना हमें ज्ञान होता है। जब हमें ज्ञान होगा तभी हम उसको अपनाएंगे, और कुछ अपनाने का भी हमें भाव होता है जो आप बताती हैं, तो निश्चित रूप से हमको ऐसा लगता है कि हम इसको अपनाते जाएं, या सब नहीं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो अपनाते जाएं। तो कोशिश ये करते हैं दीदी कि हम उसको कुछ ना कुछ हमारे जीवन में उतारें, कुछ ना कुछ हमारे जीवन में उतारें, जिससे हमें कुछ ना कुछ कर्मों की निजरा हो, कुछ हमारा ज्ञान बढ़े, क्षयोक्षम बढ़े। तो ये इन चीजों को ध्यान में रख करके हम हमारी आत्मा का अवलोकन करें, हम आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़े। ये आपने जो सन्मार्ग दिखाया है उसकी मैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसको कहने के लिए कि मैं किन शब्दों में व्यक्त करूं कि ये कितना अच्छा कार्यक्रम आपने शुरुआत की है। तो दीदी मैं बहुत बहुत अनुमोदना बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम के लिए। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी मैंने वो पारस चैनल का आपका जो एक्सपीरियंस बताया था, मैंने देखा था वो। जाजपुर सस्ती भूषण माता जी के अच्छा बताया था अपना, कि जो पैर में मस्से वगैरह हो रहे थे वो सारे ठीक हो गए, उनके जो काम करते थे उनका। थैंक यू, बहुत अच्छा। एक मनमयता के हाथ उठ रहे हैं, वैसे हमारे बच्चे कल हम लेने वाले हैं, डेली हमें 2 बच्चे ही लेना है, तो इनका हाथ उठ रहा है तो बोल ले लेते हैं। हाँ बोलो बेटा। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम मान्यता जैन है और मैं नेपाल से हूँ। मैं बहुत अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हो, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हो वो भी बोला करो। देखो सभी लोग ऐसे ही बताया करिए अच्छे डेरिंग से, नाम कहाँ है, क्या पढ़ रहे हैं, कौन से सिटी से है। हाँ क्लास 4 से हूँ। हाँ तो आज मैं पहला श्लोक और 6ठा श्लोक सुनाने जा रही हूँ। हाँ ठीक है। वक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा
वालंबनम भवजले पततांजलानम अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरु देवलान् माम् यत्कोकिला कुलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतुः। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा। देखिए ऐसे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के मुख से जब भक्तांबर सुनते हैं कितना अच्छा लगता है। एक हैंड रेज और है सीमा जी, कल ले लेंगे तो चलेगा? अंगूठा बता दीजिए कि आज ही बोलना है। एक और हैंड रेज है सीमा जी की बेटी का। क्लास नेम, मेरा नाम स्वराजन है और मैं क्लास सेकंड से हूँ। आज मैं बक्तामर का बोलने जा रही हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ऐसे ही बोलना डेरिंग से। श्रुतम श्रुतवताम परिहास दाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरु देवलाम नाम यत्कोकिला कुलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम चारु कलिका निकरैकहेतु तच्चाम स्तवे। अंतरिक्ति बोलो। ओम ह्रीं श्रीं श्याम श्री श्याम श्रीं श्रूं शं थ थ थ थ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम अयम नमो कोटि बुद्धिनं जौं जौं नमः स्वाहा। अच्छा अर्थ बताओ इसका अल्पश्रुतम का, अर्थ बताओ क्या बोल रहे हैं मानतुंगाचार्य जी। मानतुंगा आचार्य जी बोल रहे हैं कि मैं तो अल्प बुद्धि का हूँ, मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है, तो भी मैं आपकी स्तुति करने को जा रहा हूँ। और जैसे कोयल आम की मंजरियों को देखकर मीठा गाना गाती है, उसी प्रकार मैं भी आपकी भक्ति करने को विवश हो रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। सीमा जी आपकी बेटी ने बहुत सुंदर अर्थ भी बताया। तो भक्तामर भी आता है। मुझे थोड़ा सा भक्तामर आता है। 21 संडे के दिन हम सबसे सुनेंगे। संडे के दिन सबसे सुनेंगे, है ना? बोलिए हरिनाथ भगवान की जय। कल हम कुछ बच्चे कर ले लेंगे।